अच्छे की पहचान नहीं है, क्योंकि इन आंखों में स्वार्थ होता है तो ये आंखें अच्छे को पहचान नहीं सकती है, सच्चाई को। और हम अपने आप ही गणित लगा लेते हैं, अपनी किताब पे गणित लगा लेते हैं, 4 और 4 8, अपने आप ही, कोई पूछ नहीं रहा इनसे कि कितने, अपने आप ही गणित लगा लेते हैं। न जाने क्या क्या गणित लगाते हैं, क्या क्या रिजल्ट देते हैं। है ये साधु, इनके यहाँ रहता है, इनके यहाँ खाता है, ये साधु इनसे मिलता है, इनसे बोलता है, ये आदमी इनका ऐसा है, इनके यहाँ ये आते हैं, इनके यहाँ वो जाते हैं, तो इनके ऐसे संबंध हो सकते हैं, इनके ऐसे रिलेशन हो सकते हैं, इनका फलाना हो। ये बुद्धि इतनी ज़्यादा गोबर से सड़ी भरी है कि क्या क्या रिजल्ट निकालती है। क्यों निकालती है? क्योंकि आंखों में कभी अच्छे देखने का भाव नहीं आया, आंखों में स्वार्थ से देखने का भाव आया। राजा परीक्षित स्वार्थी हो गए थे, पानी के कारण, पानी चाहिए था, प्यास लगी थी, बावले हो गए स्वार्थ में, तृष्णा में, भूख में। फिर क्या हो गया, साधु का अपमान कर दिया, कलंक लग गया। अब दूसरे साधु ने कह दिया, चिंता न करो, अगर तुम इससे मुक्त होना चाहते हो तो गुरुदेव का पालन करो और भगवान की शरणागति ले लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पर गुरुदेव का पालन नहीं किया। चार दिन रोटी चाहिए कि हजार दिन? हजार दिन चाहिए। है? आप समझिए, लंबे समय तक चलने के लिए हमें कछुआ की चाल ही चाहिए, खरगोश की चाल लंबे दौड़ चला नहीं सकती है। खरगोश जितना तेज दौड़ता है उतने जल्दी थकता भी है, कछुआ जितना धीरे चलता है उतना लंबे दूर तक चलता है, लंबे दूर तक, और निरंतर चल सकता है कछुआ, खरगोश ऐसा नहीं करता। खरगोश कभी भी दौड़ते देखा होगा ना, बिना संकट के भी, तो कैसा दौड़ता है वो, ऐसे दौड़ेगा, रुक जाएगा, फिर दौड़ेगा, फिर रुक जाएगा, फिर दौड़ेगा, देखेगा, फिर दौड़ेगा, फिर देखेगा, फिर दौड़ेगा, पीछे मुड़ मुड़ के देख देख के दौड़ता है। धीरे 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 आदमी संतोष रखे, धैर्य रखे और अपने आप को पवित्रता से बनाए रखे तो आदमी की वास्तव में लाइन अच्छी लग जाती है, उसको अच्छे रास्ते मिल जाते हैं, अच्छा भाव मिल जाता है, अच्छा स्वरूप मिल जाता है। देखिए, सुबह सुबह आप मंडी में जाओ, मंडी में आपके खेत में जो भी सब्जियां हैं तोड़ के जाओ मंडी में, और तुम्हें मंडी से जल्दी घर लौट के आना है, जल्दी है, घर ही है, घर में शादी है, ब्याह है, तो फिर आपको अपना सामान मंदा सद्दा ही बेच के आना। हाँ, आपको भाव अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि आपको जल्दी पड़ी है और जल्दी का फायदा कोई भी उठाता है ना, भाव भाव नहीं मिलेगा। भाव अच्छा कब मिलता है? जब आप थोड़ी देर रिलैक्स बैठे संतोष पूर्वक। हाँ, अब आपको समझ गया, सामान का भी भाव होता है, सामान भी भाव से मिलता है। दिवाकर जी, सामान कैसे मिलता है? भाव से। अगर सामान भी भाव से मिलता है तो भगवान बिना भाव के कैसे मिल जाएगा, बताओ। सामान भाव से मिलता है। ओ भाई, क्या भाव चल रहा है दूध, क्या भाव चल रही है मिठाई, क्या भाव चल रहा है श्रावण में घेवर। हाँ, सावन को महीना है, ब्रज में कथा चल रही है तो घेवर को नाम तो निकले, क्या भाव है। समझ गए आप? सामान का भाव, भाई जिस सामान को खा के मल बना देना है उसका भी भाव है, फिर परमात्मा को बिना भाव के कैसे, गुरुदेव को बिना भाव के कैसे भजेंगे, बताओ। आपके अंदर भाव जब मर जाता है तो भाप पैदा हो जाती है, और भाप जला डालती है आदमी को, अगर आ जाए तो अंग पे। भाप जला देती, अंग पे आ जाए। भाव जो है वो आदमी को फल प्रदान करता है, मिलन देता है, सब कुछ देता है। तो आपके अंदर भाव की कमी है, स्वार्थ ने इतना ज्यादा मजबूत कर दिया अंदर से
कि भाव मरता चला जा रहा है, मरता चला जा रहा है, इसलिए बुद्धि चुगली करने लग गई, चाटी करने लग गई, चैटिंग करने लग गई और अकारण बिना बात के ही परिणाम तैयार कर दिए। कलंक देना, बुराई करना, आलोचना करना, गालियां पीछे देना, ये सब क्या है? ये बिना भाव का कोई पिंड है।